है धन है पैसा, और जो तुझे उस धाम का भी परम यात्रा करवा दे उसके लिए समय नहीं है। इसलिए गौ चरणों में समर्पण होना चाहिए। आज भी बोलता हूं ओनली पार गो झरण से किसी भी तरीके का कैंसर हो गारंटी से ठीक होता है, ये मैं दावा करता हूं इस मंच से WHO को बोलता हूं। आ जाओ आजमा लेना, गाय के गोबर के पंचगव्य से पांच पुत्रियों को भी बेटा मिल जाता है, लेकिन आप गाय नहीं पालेंगे, इनोवा रखेंगे, जेक्वा रखेंगे। अरे मेरे भाई ऐसा समय रहा तो गौरी गणेश की पूजा किससे करोगे? भागवत कथा श्रवण का मतलब जीवन में बदलाव, बाकी टाइम पास करना तो कहीं भी हो जाते हैं। कभी कभी कुछ लोगों से पूछे बालक कथा कैसी लगी, मस्त मजा आई वा बापन रे, टाइम पास था है, बीजे हूँ करूँ आपने ने बाबा आचरण में उतारवानु चाहिए ने माँ बाप ने सेवा करू चाहिए ना, करो ना तो पची भागवत ना फायदा हुए, टाइम पास मनोरंजन का साधन है नहीं, जीवन में बदलाव। भागवत कथा श्रवण करने के बाद अगर पुत्र रोज सुबह पिता का पैर छूने लगे, माता का पैर छूने लगे, मस्तक पे तिलक लगाने लगे, दरवाजे पे तुलसी हो, घर में अग्निहोत्र हो, ठाकुर की उपासना और चरणामृति का पान हो, तो भागवत का आनंद है, नहीं तो कोई फायदा है। 700 को पकड़ो, नस्वर को छोड़ दो, और आज परीक्षित जी ने क्या किया, तुम्हें मृत्यु सुनिश्चित है, सर्पदंश होगा, फिर डरना क्या? और उनके भाव क्या था, मन को समझा रहे तो क्या, ओ मेरे मनवा जग में तेरा।
करते हुए राम धुन लागी थी पवित्रीकरण का भाविक प्रमाण या शाब्दिक अर्थ ये है अपनी आत्मा में देवत्व धारण करना। अगर आत्मा में देवत्व नहीं है तो पवित्रीकरण का कोई भी अभिप्राय। यज्ञ की भाषा बोलते हैं आप, द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, अनेक प्रकार के यज्ञ हैं, लेकिन यज्ञ का उत्पत्ति यज धातु से है। यज्ञ की उत्पत्ति यज धातु से है। अस्तु, यज धातु से यज्ञ निर्माण हुआ है और यज्ञ करने के लिए प्राण की वेदी, हृदय की संविधा, ज्ञान की अग्नि जला करके मन के विकारों की आहुतियां दी जाए तो यज्ञ पूर्ण होता है, अन्यथा यज्ञ का अभिप्राय। घी और सामग्री जलाने को ही यज्ञ नहीं कहते। अगर किसी अनाथ व्यक्ति का पार्थिव पड़ा है
कोई उसका अंत्येष्टि करने वाला नहीं है। आपने अगर अंत्येष्टि किया तो यज्ञ से कम नहीं। कोई अबला कन्या समाज के कुदृष्टि का शिकार बन रही है, आपने उसका विवाह कराया तो कोटि यज्ञ से कम नहीं है। कोई बालक है, शिक्षा का दान दिया, उसके लिए व्यवस्था कराई तो वो भी यज्ञ है। हमारा तो स्लोगन ही है कि नर सेवा नारायण सेवा, मानव सेवा माधव सेवा, एंड माई लाइफ इज इन्वेस्टमेंट एंड यूनिवर्सल लव इज माई बेनिफिट। कहने का अभिप्राय है बिना किसी स्वार्थ के किया हुआ कोई भी परमार्थ का कार्य यज्ञ से कम नहीं। परम धन अर्थ अस्तु परमार्थ, जीवन का परम अर्थ इस परमार्थ में ही छिपा हुआ है। क्योंकि ये पॉलिसी है, जैसे आप दोगे वैसे आप लोगे। तो अब आप क्या कर रहे हैं यहां? ज्ञान यज्ञ, श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ है ना। तो यहां पर हृदय पे बिहारी का आसन है, भागवत जी का आसन है, ज्ञान का प्रकाश है, वैराग्य भक्ति और सूक्ष्म रूप से देवताओं के आसन आपके सुरक्षा कवच हैं। और इसे श्रवण करने के बाद आपके जीवन से दुखों का अंधकार दूर हो जाएगा, दशा और दिशा दोनों बदल जाएगी, ऐसा वेद अभ्यास जी ने कहा। भागवत कथा श्रवण करना है तो पात्र, सबसे पहले समझ लीजिए कि अगर आपका पात्र ही सही नहीं है ना, तो विष के पात्र में अमृत डालने का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि अमृत भी विष में बदल जाएगा। भगवान राम का अवतार होना था शेखावत जी, सारी तिथियां 1, 2, 3 सारी तिथियां एकादशी द्वादशी त्रयोदशी चौदस पंचमी षष्ठी सप्तमी अष्टमी नवमी सब लाइन में खड़ी है। सारे भाव से कहती है प्रभु मुझ में अवतार लो, द्वादशी कहती है मुझ में अवतार लो, 8 की 8 तिथियां स्वागत करती है प्रभु मुझ में अवतार लो, लेकिन नवमी तिथि एक कोने में जा करके रुदन कर रही है। मेरे प्रभु ने कहा अरे नवमी तू क्यों रो रही है? कहने लगी महाराज मैं रिक्ता तिथि हूं, रिक्त का मतलब खाली और रिक्ता का मतलब अस्तित्व विहीन, जिसका कोई अस्तित्व ना हो। नवमी ने कहा महाराज मैं रिक्ता तिथि हूं इसलिए रो रही हूं, काश मेरा भी मान होता तो मैं भी उस श्रृंखला में होती, मैं भी उस पंक्ति में होती, मैं भी निवेदन करती। भगवान ने कहा रे मूर्खा मेरा तो काम है खाली पात्र को भर देना, और नवमी में जन्म लेकर के भगवान ने नवमी का महत्व बढ़ दिया। नवमी अतिथि मधुमास पुनीत चरित प्रतीता। नवमी की तिथि में भगवान ने जन्म लेकर के नवमी का महत्व बढ़ा दिया। और इतने नहीं, आजकल हर व्यापारी हर संत नौ को ही गिनता है ना राजेश जी, नौ को क्यों गिनते हैं खंडेलवाल साहब?
क्योंकि नवमी जो है ना नव पूर्ण अंक है, ये कभी कमी नहीं होता। आप लोग, हम तो बाबा कम पढ़े लिखे, आप गणित जोड़ लो, हम लोग का अंगूठा ठीक है, जो गुरु जी ने दे दिया वो अपने पल्ले में। मुझसे लोगों ने कहा महाराज आप भागवत जी करते हो, मैंने बोला जी मैं नहीं करता, भगवान की कृपा और शारदा जी जुबान पे आती वो कर जाती, मुझे तो अपना जीवन का संचालन करना नहीं आता, मैं भागवत क्या कर लूंगा। आपने कितने पुराण पढ़े? मैंने आपको कितने के बारे में ज्ञान है? बोले जी चार वेद, छह शास्त्र, 18 पुराण। मैंने कहा भैया मैंने एक ही चीज पढ़ी है, बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं, वो है गुरु पुराण, और गुरु के चरणों में समर्पित हो जाए तो किसी और को देखने की जरूरत नहीं। राम को गुरु की आवश्यकता पड़ी, कृष्ण को पड़ी, हमें आपको भी है, पर गुरु करना जान पहचान के है ना, और पानी पीना छान के। पानी का टीडीएस गड़बड़ रहा तो जॉइंटिस हो जाएगा है ना, अम्लीय क्षारीय रहा ना तो फिर कोलाइटिस अल्सर भी हो सकता है, स्क्रीन डिजीज भी हो सकता है, और गुरु अगर जान पहचान के नहीं किया तो मामला कुछ और गड़बड़ भी हो सकता है, इसलिए बिना जाने पहचाने संबंध ना बनाए। मैं आवाहन अखाड़े का महामंडलेश्वर हूँ, श्री श्री 1008 लिखा जाता है, और ईश्वर की अनुकंपा से हर गुरु पूर्णिमा को, हर गुरु पूर्णिमा को 5-10 हजार लोग तो होते ही है, पर अनुरागी होते हैं। आज तक मैंने एक भी व्यक्ति को गुरु दीक्षा नहीं दी। लोग बोलते महाराज आपका तो राष्ट्रीय स्तर पे काम है, आप गूगल पे जाओ, गूगल देवता से पूछो हु इज ब्रह्मांडपुरी, सब बता देंगे, वो कहां सेवा है कहां है, यूट्यूब पे जाओ वो बता देगा। अभी आपका कार्यक्रम KM म्यूजिक इंडिया टीवी जो ऑन करेगा ना अपने यहाँ, उसके यहां से लाइव जा रहा है। आप इतने प्रखर हैं, प्रभावी हैं, फिर आपने शिष्य क्यों नहीं बनाया? मैंने कहा भाई अभी मैं खुद ही शिष्य हूँ, गुरु नहीं बनना चाहता, क्योंकि मेरी आदत धरातल पर रहने की है, उसी में आनंद आता है, क्योंकि शिष्य का जीवन शीशे जैसा पारदर्शी होता है। अब तो जमाना ऐसा चल रहा है गुरु चेले एक दूसरे को ब्लैकमेल करने में लगे, हाँ चेला चाहता है एक ही दिन में मेरा बेड़ा पार हो जाए, और गुरु चाहता है एक ही दिन में पूरे आश्रम का खर्चा आ जाए। लेकिन गुरु कैसा होने चाहिए? विरक्त। गुरु को नहीं चाहिए जी हवा का स्वाद। एक डेढ़ महीने पहले की बात है, हमारे खंडेलवाल साहब है, गुरुजी एसी लगवा देते, इधर बहुत तकलीफ हो रही है, इधर इसको तोड़ करके इस आश्रम को मोरर बनाएंगे। गुरु पूर्णिमा के दूसरे दिन खंडेलवाल साहब ने कहा कि गुरुदेव ये आश्रम को तोड़ देते हम नए तरीके से बनाएंगे। मैंने बोला आज आया फिर तुझे सुनना पड़ेगा अच्छा वाला श्लोक, पहले तू स्वयं को बना और अपने गुरु भाइयों के लिए बना। मेरी झोपड़ी तो ऐसे ही ठीक है, मैं एक तखत में ही ठीक हूं, क्योंकि आदमी ध्यान कर लेना आप थोड़ा सा, कुछ बातों पे चर्चा ठीक ठीक हो जानी चाहिए, क्योंकि वाद और संवाद की प्रक्रिया मेरे भाई, कोई भी गृहस्थ अगर आवश्यकता से ज्यादा भागता है तो परिवार से दूर हो जाता है, और जीता किसके लिए? व्हाट इज द पर्पज योर लाइफ? बढ़ा लो लमझम, आज अमेरिका में हो तो कल सऊदीया में हो, परसों उधर हो, बेटी के सिर पे हाथ रखने की टाइम नहीं है, बेटा आज का दिन कैसा रहा? और संत सन्यासी जब जरूरत से ज्यादा शिष्य बना के
भौतिक सुखों में लिप्त हो जाता है तो वो साधना से दूर हो जाता है। जैसे आपका रुपया पैसा दौलत करोड़ों का बंगला है ना, ऐसे हम संतों की सब दौलत है साधना, यज्ञ हवन पूजा कर्मकांड, उसमें लिप्त रहना चाहिए। क्योंकि साधना अभिशाप को वरदान बना देता है, साधना अभिशाप को वरदान बना देता है और भावना पाषाण को भगवान बना देता है। नैतिकता के स्तर से नीचे उतर जाने के बाद वासना इंसान को शैतान बना देता है। करता रहा हरि भजन, चल परमार्थ की राहों पे, ओ ब्रह्मांडपुरी, हरि भजन मोक्ष धाम दिला देता है, मोक्ष धाम दिला। श्रीमद् भागवत कथा में देखें, एक भूमिका के हिसाब से आपको बताएं, संतों की चर्चा करते हैं, गुरुओं की चर्चा है, तो मेरे भाई ध्यान देना, जो काम भगवंत नहीं कर सकता वो काम संत करता है, ऐसा प्रमाण भागवत के अंदर है। भक्ति जिसके लिए आदेश दे दे उसे मुक्ति मिल जाती है ना, ऐसा प्रमाण है ना। भक्ति चैतन्य हुई, भक्ति जिसको आदेश करे उसे मुक्ति हो जाती, लेकिन स्वयं के पुत्र ज्ञान और वैराग्य जब मूर्छित हो गए तो भक्ति से कुछ नहीं हुआ महाराज, संतों का सानिध्य लेना पड़ा। आज ब्रज में वृद्ध भक्ति युवा हो गई है, जवान हो गई है, उसके दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य मूर्छित होकर पड़े हैं। तब उसने किसका सहारा लिया, तिभो भो ब्राह्मण क्षणिक तेष्टा, भो भो ब्राह्मण क्षण मतिष्ठम मच्चिंताय पिनाशय, दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा हरम परम। देव ऋषि नारद को कहते हैं, संत देवताए परमात्मा के स्वरूप, रामचरितमानस में तो राजेश जी गोस्वामी जी ने संतों को चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग बताया है। प्रमाण है उस चौपाई का कि राम भगति जह सुर सरिधारा, राम भगति जह नहाते हैं गंगा में जाके, पर अगर नियत ही साफ नहीं होगा तो गंगा का पानी क्या खाक पाक होगा। पहले नियत साफ करो, अंदर की गंदगी हटाओ, तब बंदगी आपकी स्वीकार होगी। और जब आपकी अंदर की गंदगी हट जाएगी, आपकी बंदगी स्वीकार होगी, तो मेरे भाई आपकी जिंदगी ही बदल जाएगी। गोस्वामी जी ने कहा, प्रयाग में जैसा तीर्थ है, सुरसरी के धारा बहने का महत्व है, ऐसे इन संतों के हृदय में सरसई ब्रह्म विचार
प्रचार, सदैव ब्रह्म के विचार का चिंतन ध्यान धारणा करके लोगों में परमात्मा का प्रचार करते हैं। अस्तु ये चलते फिरते तीर्थ राज प्रयाग हैं, और जो दर्शन प्रयाग में करता है, स्नान करता है, वही लाभ अगर संत के चरण को धोकर किया जाए तो भव मुक्ति हो जाती है। ऐसा मैंने पढ़ा ही नहीं है, अनुभव भी किया है, क्योंकि संतों का सानिध्य के बिना कुछ होता नहीं महाराज। भक्ति ने संत का सानिध्य लिया और कहने लगी, प्रभु क्षण मात्र रुको, मेरी समस्या का समाधान करो। दर्शन की तो बात कर रही है, लेकिन कह रहे बहुधा बहुधा यानी कई बार, बहुधा तव वाक्येन दुख नाश विनश्यति, कई बार तो आपके वाक्य का श्रवण करके ही दुखों का नाश हो जाता। यदा भाग्यम भवेद भूरी भवतो दर्शनम तदह, जब कई जन्मों का पुण्य उदय होता है, भाग्य इकट्ठा होता है, तब जाके संत के दर्शन होते हैं। देव ऋषि नारद ने कहा, आप ये बताओ, काशी तुम काविमो, अब यहां थोड़ा ध्यान देना है, शेखावत साहब शब्दों की श्रृंखला देखिए। आज लोग क्या कहते हैं, औरत स्त्री को क्या कहते हैं, एक प्रमाण तो कल आपने सुना था ना, सीज माई मिसेज। हमारे पास शब्द है लेकिन हम दूसरे की चोरी करते हैं। जाओ कभी लोगों के घरों में तो जय श्री राधे प्रणाम तो खत्म ही हो गया, चाय पानी पिलाया, गुरुदेव सीज माई मिसेज, अब अपने जैसे भी हंस के वाओ रियली सीज योर मिसेज। भारतीय संस्कृति में नारी को क्या कहा गया, स्त्री और मती, जथे नामे तथे गुणा। स्त्री का अर्थ शारदा से है और मती का अर्थ बुद्धि से है, स्त्री का अर्थ लक्ष्मी से। अब आपके घर में लक्ष्मी और सरस्वती दोनों आए तो घर तर जाए, अब अगर मिसेज है तो आपको मिसयूज होना है सा। अब आप देख लो, अर्धांगनी कहना है, जीवन संगिनी कहना है, श्रीमती जी कहना है, वो आपके ऊपर निर्भर है, क्योंकि कहना मेरा काम, सुनना आपका काम। पूर्व समय की भाषा माता श्री पिता श्री, अब तो डेड मॉम मम्मी, अरे इनके मतलब पता है आपकी, कुछ भी बोल रहे हो। और तो ये बैंड वाले ने और सत्यानाश कर दिया देश, ये नई नई धुन लेके आते, पूरे विश्व में फेमस है, आप लोग संत सुनने के आदि बन जाइए। हम कहते हैं ना ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, आप क्या कहते हैं, राम नाम सत्य। अब मान लो सूरदास जी किसी के घर में शादी हो और वो वाला धुन बजता, वो वाला जो बहुत मशहूर है, बजा के दिखाना जरा, कौन सा, हाँ जी में, हाँ ना चालतो है, पर हमारा महाराष्ट्र में चाले छे, ये कहूँ छो, गुजरात में ना चालतो है, ये धर्म भूमि छे ना। 60 साल की बुढ़िया भी बोलती आज मेरे, भैया भी बोलता आज मेरे, आगे वाली आप याद कर लो, मैं भूल जाता हूँ, मेरा नाम उपनाम बावरा महाराज है ना, इसलिए भूल जाता हूँ। अब ऐसी स्थिति में शेखावत साहब कान में जाकर बोल दो, जब सारे आज मेरे कर रहे हो ऐसे,
कान में जाकर के दो भैया राम राम सत्य है, तो आपके साथ क्या व्यवहार होगा? अकल्पनीय, अविस्मरणीय, अद्वितीय। अब बताओ, राम राम सत्य नहीं है क्या? जब तक है जीव तब तक राम नाम सत्य नहीं, जब चला गया तो उसके पीछे से बोलते राम नाम, तो पहले ही जान लेना चाहिए। तो भागवत में अगर आप श्रवण करेंगे या कहीं भी, तो महिलाओं की श्रृंखला है। भारतीय संस्कृति में किसी भी अबला को पुकारा गया तो मात्र शक्ति से कहा गया। क्या कहा गया? आदि शक्ति कहा गया, महिला कहा गया, मां ममता, ही हिम्मत, ला लाज। जिनमें ये ममता हिम्मत लाज का समागम हो, ऐसे अनुसुईया जैसी नारियों को हमारा बार बार प्रणाम है, जो हमेशा संतों का सानिध्य। कितना सुंदर, अनुसुईया के समक्ष तीनों देव परीक्षा लेने गए हैं और कहते भोजन भी तो तब करे जब निर्वस्त्र होके करा। ऐसी सती भारत में होती, अमेरिका में नहीं होती। और कमंडल से जल उठाया अपने पति के और छिड़क दिया, ब्रह्म अर्पणम, ब्रह्म गंतव्यम, ब्रह्म कर्म समाधिनम, और तीनों देवताओं को बालक बनाकर निर्वस्त्र होकर भोजन करा दिया। ऐसे आदि शक्तियों को मेरा बार बार प्रणाम है। महिला अर्धांगनी, जीवन संगिनी, औरत नहीं। अच्छा, अपनी डिक्शनरी देखना, व्याकरण में इसका अर्थ निकालना तो थोड़ा ठीक नहीं है। अब मैं जहां बैठा हूं यहां मेरी मर्यादा है, कुछ शब्द नहीं बोल। देख ले, जीवन संगिनी, महिला जीवन संगिनी है, अर्धांगनी, धर्मांगनी। आज देवऋषि नारद ने काशी तुम काम्यो चेव, कितने प्यार से बोला है, सुंदरी ए मात्र शक्ति, आप कौन हो? देखने में तो बड़े सुंदर हो, क्या पीड़ा है ये बताओ? आज भक्ति अपने संत के समक्ष रुदन कर रही है। आप भी ध्यान कर लेना, ससुराल में नहीं रोना, नहीं इज्जत कम हो जाए, पड़ोसी में नहीं रोना, नहीं कोई साथ में नहीं खड़ा हो। गुरु के चरणों में रोना, जो किसी से कहता नहीं, आपके आंसुओं को पी लेता है। एक छोटी सी मेरी कल्पना, उसके बाद कथा की तरफ चलेंगे। एक संत, एक गुरु भगवान से क्या चाहता है, भक्त से क्या चाहता है? दौलत। दौलत की क्या जरूरत? आप जो दोगे वो मेरे काम की है नहीं, और जो हमें चाहिए वो आप दे नहीं पाओगे, फिर गुरु चेला कैसे बनाए बताओ? लोग कहते महाराज चेला बना लो, अब कैसे बनाए? हमें जो चाहिए आप नहीं दे पाओगे ना। राजा प्रसन्नम गज भूमि दानम, बनिया प्रसन्नम कौड़ी छेदानम। राजा प्रसन्न होगा दो चार दस बीस बीघा एकड़ जमीन दे देगा, बनिया प्रसन्न होगा पांच दस लाख बीस लाख दे देगा, ये मेरे किस काम का? हमें चाहिए निर्मल भाव, पारदर्शी जीवन। जब कभी आपके घर आए तो हर्षित होते हुए, जैसे मंदिरों में लोगों की पूजा होती है, आपके माता पिता की सेवा दिखाई पड़े, ऐसा शिष्य मिले तो दीक्षा दे। बाकी धन दौलत के पुजारी तो किसी के होते नहीं था। फिर वो हो जाएगा कि चले प्रेम परित्याग कर, करत प्रेम की आस, और आए थे हरि भजन को, होटन लगे कपास, कुछ नहीं मिला है उसमें, दोनों जीवन खराब हो जाए। एक गुरु शिष्य से क्या चाहता है? अच्छा शेखावत जी, एकाग्रचित होकर सुनिएगा, चाहत से ही राहत होती है। अब शिष्य और गुरु का जो रिश्ता है ना, संसारी और सन्यासी का रिश्ता है ना, वो कभी इकट्ठा नहीं हो सकता।
दोनों भिन्न है ना, एक योग वाला जीवन एक भोग वाला जीवन। लेकिन सन्यासी गुरु क्या कल्पना करता है हिंदी समझते हैं? जरा इन पंक्तियों को सुन के मनन करना, शायद बदलाव आ जाए। एक शिष्य से गुरु क्या कल्पना करता है कि तेरी हमको दोनों को वहीं जाना है भाव कि तेरी मेरी एक मंजिल आ जा मेरे साथ चल। हम दोनों नदी के किनारे हैं, संसार समाधि है, चारों आश्रमों में सबसे बड़ा आश्रम संसार का गृहस्थ आश्रम है। हम दोनों नदी के किनारे हैं, मिल नहीं सकते, साथ चल सकते हैं। एक दिन तो मेरे साथ चल, चल गंगा गोदावरी यमुना कावेरी कब तक नाम में है जब तक सागर में मिल न जाए। संत कहता है आप मेरे साथ चलो, धीरे धीरे चलते दया की सागर के चरणों में छोड़ देना मेरा काम है। एक नदी के कभी भी दुख में मुझे स्मरण करना मत भूलना और सुख में मुझे कभी याद ना करना, ये काम गुरु किया करते हैं। तो कर ले तेरी
परम रक्षक होता है। स्वयं अग्नि में जल जाए लेकिन प्रार्थना इसे ईश्वर करता है, ईश्वर से हमेशा अरदास करता है कि परमात्मा मेरा ये शरीर जल जाए परवाह नहीं, लेकिन मेरे शिष्य के ऊपर आने वाली हर बला तल जाए, ये गुरु होता है। जान से अपने की जा हम तेरी हिफाजत करनी है, अहम भक्ति रति काता हिमो में तनयो मतु ज्ञान वैराग्य ना मानु काल योगे जर जर गंगा चा सरित स्नेवा मत सेवार्थ समागत तथापि न च मे श्रेय सेविताया सुरो। कहते हैं भक्ति, कहते हैं देवऋषि नारद मेरा नाम भक्ति है, और ये दोनों वृद्ध अवस्था में पड़े हुए दोनों पुत्र मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य है। उत्पन्न द्रविणे साहम विभिम च कर्णाटके गता क्वचित क्वचित मन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णं गतः तव घोर कले योग्य पाखंडे खंडितांगका वृंदावनम पुनः प्राप्त नवीने भक्ति। कहते हैं देवऋषि नारद मेरा नाम भक्ति है, ये दोनों मेरे पुत्र ज्ञानी और वैराग्य युवा से वृद्ध हो गए। मैं द्रविण देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में बड़ी हुई, महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्रों में भ्रमण करते हुए गुजरात इत्यादि से जर्जर हो गई थी, कली का प्रभाव था। आज वृंदावन में आने के बाद मैं पुनः युवती हो गई, अपने स्वरूप को पा लिया, लेकिन मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य वृद्ध और अचेत हो गए। एक माँ अपने बच्चों के कष्ट को कभी सह सकती है? भक्ति रुदन कर रही है, देव ऋषि नारद से कह रही है कि महाराज कोई उपाय बताओ, और मन ही मन महाराज परीक्षित को श्राप दे रही है, अपशब्द कह रही है कि परीक्षित ने कलयुग को जगह क्यों दे दिया। अगर महाराज परीक्षित ने कलयुग को स्थान नहीं दिया होता तो आज मेरे पुत्र ज्ञान वैराग्य वृद्ध नहीं होते।
देव ऋषि नारद समझा रहे हैं कि अगर आप किसी पे आरोप या प्रत्यारोप लगाते हो तो गलत है। जब सौदा होता है ना तो दो रुपये फायदे की बात सोची जाती है। परीक्षित ने कलयुग को जगह क्यों दिया? परीक्षित कलयुग जब आया परीक्षित के पास, रुदन करने लगा। परीक्षित का इंडिकेशन कैसे समझा? दैट्स इंडिकेट चापलूस मैन। आज वाला पहले मीठा बोलेगा, फिर मगरमच्छ के आंसू रहेगा, फिर धीरे धीरे अंदर जाएगा और अवसर आते ही अपना काम बता देगा। ऐसा था कलयुग। कलयुग आया परीक्षित के पास, रुदन करने लगा, रोने लगा। परीक्षित ने, आप क्यों रो रहे हैं, कौन है? बोले, महाराज मैं कलयुग हूं, मुझे जगह चाहिए। बोले, आपका लाभ क्या है और हानि क्या है, दोनों बताओ। आप भी इंटरव्यू लेते साहब तो शायद यही पूछते हैं, किसी को जगह देंगे तो फायदा सोचते। बात प्रेम की कहां रह जाती है। तो हरी बात को देव ऋषि नारद ने समझाया और कहने लगे कि करम गति हो, करम गति तार कहते हैं, अरे जो आपका प्रारब्ध है वो भोगना पड़ेगा, आपका भोग आपका भाग्य आपसे वो सब करवाते रहेगा। इसलिए वृथा खेद ऐसे वाले, वृथा खेद ऐसे वाले अहो चिंता तुरा कथम। श्री कृष्ण चरणाम भोजम अस्मरम दुखम गमिष्यति। वृथा अनावश्यक, बिना मतलब, जो नीति में नहीं है, जो नियत में नहीं है, उस पे चिंता मत करो भक्ति। खेद ऐसे वाला, चिंता मत करो, खेद मत करो, चिंता तुर मत रहो, अनावश्यक चिंता मत करो। फिर क्या करें? श्री कृष्ण चरणाम भोजन।
भगवान श्री हरि के चरणों में साधना करो, भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन करो और उनके स्मरण मात्र से स्मरण दुखम गमिष्यति। व्याकरण पढ़ा होगा कि प्रदेवता लोग तो तीता अंत सीत आम यावह आम, हमने तो गुरुकुल में पढ़ाई करी है और पिटाई भी खूब करी है, हमें अच्छे से स्मरण है। हमारे गुरुदेव थे तो हम थोड़ा चंचल दृष्टि, गुरुदेव ने कहा दंतव्य क्या है, मैंने गुरुजी दांत तो ही दंतव्य है, बोले आ जा तेरा स्वागत कर दूं चिमटे से। दंतव्य शब्द, कंठव्य शब्द, ओष्टक शब्द, तालव्य शब्द, ये चार प्रकार से शब्द का उच्चारण होता है। जिन शब्दों के उच्चारण में तलवे का स्पर्श है उन्हें हम तालव्य कहेंगे, जिन पे होठों का इस्तेमाल है जैसे आप बोले राम बंद हो गया, शिव तो होठों का इस्तेमाल हुआ वो ओष्टक हो गया। आप बोलो त थ द ध न ये दंतव्य हो गए, ओम अंग कं चं छं लं इं दुं ये कंठव्य हो गए। इन शब्दों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, खासतौर से व्याकरण का ज्ञान जरूरी है क्योंकि व्याकरण के बिना कथा का आनंद नहीं आता। और इंग्लिश में भी मेरे ख्याल से ग्रामर होना जरूरी है ना, बट अब तो गिरा मरा पढ़ाया जाता है, अब ग्रामर है ही नहीं, बेस ही खत्म हो गया। उनसे पूछो काइंड ऑफ टेंस क्या है तो तीन बार सोच के बताते हैं, बड़ा आश्चर्य हुआ है। छोटा सा एक प्रश्न मैंने पूछ लिया, मुझे देखकर बच्चों को लगता बाबा वो कितने ही जानता है हारमोनियम बजाना और कुछ है नहीं, तो कई बार नए बच्चे हमारी मजा ले लेते हैं। बाकी ठीक है, जिसने जिस रूप में दुखा वैसा बोलते हैं, जिसने कभी मेरे को अनुचित कार्यों को ना सहन करके पिटाई करते देखा वो लोग गुंडा भी बोल जाते हैं, जिन्होंने हारमोनियम बजाते देखा वो वादक कह जाते हैं, जो डॉक्टरी प्रोफेशन में देखते वो अच्छा वैद्य कह जाते हैं, लेकिन जीवात्मा एक है और काम अनेक है, बाकी परमार्थ का मार्ग है। बहुत अच्छे परिवार में बैठा था, एक छोटा सा प्रश्न किया बच्चे से, पोस्ट ग्रेजुएट बच्चे से प्रश्न किया था कि अगर आप खेलोगे तो मैं भी खेलूंगा, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश सिखाओ साहब, यकीन नहीं कर पाओगे, बाप बेटे माँ तीनों से नहीं हुआ, ऐसा तो ग्रामर पढ़ाया जाता है। जबकि सिंपल सा प्रेम, इफ यू प्ले आई शैल प्ले, दिस डज नॉट सी विल फेल, ये पढ़ते ही नहीं है। अब उसका क्या हो गया है, अभी नौकरियां भी पैसे देके लगाई जाती है। हिंदी का बेस भी व्याकरण है और अंग्रेजी का बेस भी व्याकरण है, अब ये दोनों को गिरा मरा पढ़ाते थे। खैर हम लोग गिरा मरा नहीं पढ़े, हम तो भागवत जी को पढ़ेंगे। भक्ति को कहा श्री कृष्णा चरण भोजम, भगवान कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन करो, अब उनके स्मरण मात्र से दुखम गमिष्यति दूर चले जाएंगे दुख, हरि नाम के स्मरण मात्र से। देख रहे
बड़ा सुंदर उपमा दिया है। अरे भक्ति, तुझे ज्ञान नहीं है क्या कि जो प्रभु को मानता है वो कभी दुखी नहीं रहता? प्रमाण दे रहे हैं कि द्रौपदी जा परित्राता एन कौरो कस्मलता पालिता गोप सुंदर सापि कृष्णानोगता। अरे भक्ति, तुझे ये चीज नहीं भान है तो मैं बताऊं, द्रौपदी को उनके पति जुए में हार गए थे तो भी भगवान ने जाके लाज बचाई ना, स्मरण मात्र से पहुंच गए। तो अगर तू स्मरण करेगी तो तेरे दुख क्यों नहीं दूर होंगे? जब तक द्रौपदी को मेरे भाई बहन ये भान था कि धर्मराज युधिष्ठिर के होते हुए मेरे साथ कोई अन्याय नहीं होगा, गुरु द्रोणाचार्य के होते हुए मेरा अपमान नहीं होगा, गदाधारी भीम के होते हुए मुझे कोई स्पर्श नहीं कर सकता, तब तक भगवान नहीं आए। और जैसे ही द्रौपदी ने समर्पित कर दिया अपने आप को, तो कन्हैया ने क्या कहा ध्यान से सुनना कि बेचूंगा मैं द्वारिका, बेचूंगा मैं द्वारिका, चोरी करूं ब्रज में जाई, तो कपड़े की गठान में द्रौपदी बन जाऊंगा। अरे द्रौपदी, तुझे बचाने के लिए मैं मेरी द्वारिका बेच दूंगा। ये भाई बहन का प्रेम है कि बेचूंगा मैं द्वारिका, चोरी करूं ब्रज में जाई, और कपड़े की गठान में द्रौपदी बन जाऊंगा। और इतनों में न पूर पड़े दिगंबर हो जाऊंगा, तांबर बुढ़ाक तेरी लाज में बचा। जैसे ही द्रौपदी ने समर्पण किया, मेरे कन्हैया मेरे श्याम सुंदर नंदलाल ने कहा रे द्रौपदी, तेरे पति जुए में हार गए ना, तुझे छुड़ाने के लिए कर मुक्त करने के लिए मैं मेरी द्वारिका बेच दूंगा, और अगर इसमें भी नहीं पूरा पड़ा, चोरी करूं ब्रज में जाई। पहले से लोग मुझे चोरों का सरदार कहते हैं, पहले ब्रज में माखन चुराया, अब ब्रज की बालाओं के दागिने चुरा लाऊंगा। इसमें भी नहीं पूरा हुआ, दिगंबर हो जाऊंगा। द्रौपदी, मैं तेरे लिए निर्वस्त्र क्यों ना हो जाऊं, पीतांबर उड़ा के तेरी लाज में बचाऊंगा। यही भाई बहन का प्रेम सबके हृदय में रहना चाहिए। ये भाव चले चंद पत्तियां द्रौपदी का भाव कि मेरे मेरे तेरी मर्जी तेरी ऐसा मरे, मर्जी तेरी ऐसा मरे, चाहे तार दे या मार दे, हाँ।
भाव देखें। करने के लिए प्रयास शुरू किए, कभी कानों में गीता का श्लोक, कभी गायत्री, कभी वेदों के पाठ, कोई असर नहीं पड़ता। कुछ चेतनाएं आती हैं, फिर स्थिर हो जाते हैं। अंत में भक्ति ने सवाल किया, महाराज कारण तो बताओ। मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य, युवा से वृद्ध और मैं वृद्ध से युवा। बड़ा सिंपल सा जवाब दिया समझाने के लिए। अगर आपके घर में रसोई में पड़ी हुई चाकू की आवश्यकता ना हो और प्रयोग में ना आए तो उसमें जंग लग जाएगा और वो निष्क्रिय हो जाएगा। देव ऋषि नारद ने कहा, देखो ये कलयुग है, कलयुग का घोल प्रभाव है। यहां पर ज्ञान और वैराग्य के लोग ग्राहक नहीं है, इसलिए उनका मूल्यांकन ना होने के कारण वो अचेत हो गए हैं। और ब्रज में भक्ति के ग्राहक बहुत हैं। यहाँ की रेती में भक्ति का वास है, यहाँ के कण कण में वास है, इसलिए आप वृद्ध से युवा हो गए। अनेक प्रयास कर रहे हैं, रिद्धि सिद्धियां आ गई हैं, सारे नक्षत्र ग्रह तिथि वार, सारे संत महंत प्रयत्न कर रहे हैं महाराज, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। अचानक आकाशवाणी होती है, देव ऋषि तुम्हारे द्वारा किया हुआ प्रयास निरर्थक नहीं होगा, सार्थक होगा। क्योंकि कर्मणे बाधिकारस्तो मा फलेषु, कहती है, ठीक है। आकाशवाणी हो गई, लेकिन संत की भाषा और देव की भाषा दोनों गूढ़ होती है। देव ऋषि पीड़ित हो रहे हैं कि मैं भक्ति का कोई भाव नहीं कर पाया, मैं भक्ति का कोई सहयोग नहीं कर पाया। आकाशवाणी ने तो सिर्फ इतना ही कहा है कि देव ऋषि तुम्हारा प्रयास सार्थक होगा। देव ऋषि नारद के मन में खिन्नता है कि किस हिसाब से मैं भक्ति का
दुख हरूं। मेरे भाई, अगर आप कभी ये कल्पना करोगे ना कि जीवन में कोई मेरे काम आए या ना आए, जीवन में कोई मेरे काम आए ना आए, पर ऐ परमात्मा मुझे इस लायक जरूर बना देना कि मैं किसी दुखी के आंसू साफ कर सकूं, तो भाव पार होने से कोई रोक नहीं सकता। जिस दिन ये भाव आ जाए कि खुश रहे वो जो हमें जानते हैं, खुश रहे वो जो हमें जानते हैं, अरे खुश हमसे ज्यादा वो रहे जो हमें जानते नहीं। रूठो, रूठना आपका अधिकार है, लेकिन उनसे जो आपसे रूठा करते हैं, लेकिन उससे क्यों नाराज होते हो जो बदले में कुछ मांगता है नहीं, सब उधार देता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठते हो तब प्रभु आपके पास खड़ा होता है, सोचता है चंद पल हरि भजन करेगा, आपके पीछे पीछे चलता है, अब करेगा अब करेगा, लेकिन गृह कारण नाना जंजाला, शाम तक आपको खुद से बात करने का समय नहीं। इसलिए एक पल के लिए ही सही सारी चीजों से विमुख होकर हरि के सम्मुख हो जाया करो, बड़ा ही आनंद है। हरि के सम्मुख आना ही और कैसा होता है भाव, हमारी बातों पर थोड़ा ध्यान देंगे कि सामने मेरे जिस दिन वो आ जाएंगे, कुछ और नहीं है वो, हर शब्द के दो अर्थ हैं, एक भावार्थ एक लक्ष्यार्थ। हम जिस भाव से बोल रहे हैं उस भाव में समझे तो बेड़ा पार, और हमारे भाव का अगर लक्ष्यार्थ हो जाए तो नाव डूबे मझधार। इसलिए मैंने कह दिया कि सामने मेरे जिस दिन वो आ जाएंगे, दूर सिकवे गिले सारे हो जाएंगे। सामने मेरे जिस दिन वो आ जाएंगे, दूर सिकवे गिले सारे हो जाएंगे, बात करने लगेंगी ये आंखें वहां, बात करने लगेंगी ये आंखें वहां, तेरे चंचल जुबा कुछ न कह पाएंगे, तेरे चंचल जुबा कुछ न कह पाएंगे। घर से निकलो, आज बिहारी जी से खूब झगड़ा करेंगे, बिहारी आज मेरे बच्चे की शादी नहीं हो रही है, खूब प्रयास करो, आज गुरुदेव से बहुत लड़ाई करेंगे, काफी समय बाद दर्श हो रहा है, लेकिन जब गुरुदेव के समक्ष पहुंच के सब कुछ भूल जाओ, नेत्रों से जब कारुणता हो, करुण अश्रुधाराएं हो, होठों में एक लाज और भय हो, नेत्रों में एक खुमार हो पाने की, तो उस दिन समझ लो गुरु कृपा बरसने लगी, नहीं तो फिर ठाट का गुरु बाट का चेला सांझ पड़ी अकेला अकेला। गुरु लोग भी कुछ ऐसे करते हैं, पहले कर फिर मर, पहले कर फिर मर, अब तू दक्षिणा धर, मैं जा रहा हूं मेरे आश्रम की ओर, तू जा तेरे घर। जबकि ये चीजें पैसे वाली नहीं हुई, आपके समक्ष 5 करोड़ रुपया रख दो, लाए रात को सिर में दर्द हो उससे बोलो जरा तेल लगा दे, लगाएगा क्या? वेदों ने कहा है कि ये कोने में अगर पाप का कमाया हुआ अर्थ यानी धन इकट्ठा होने लगे तो मानव का जीवन व्यर्थ हो जाता है। इकट्ठा करने का काम परमार्थ का है, परमार्थ इकट्ठा करो तो परम अर्थ की प्राप्ति। ये अर्थ व्यर्थ है, कल बताया था ना कि बगीचे 1000 होते हैं, फूल खिलाए जाते हैं, कुछ चढ़ते हैं मजारों पे,
कुछ शमशान में बिछाए जाते हैं। बड़भागी है वो फूल जो गुरु चरणों में समर्पित हो गले का हार बन जाए, नहीं तो ब्रह्मांडपुरी बेहतर है, वो फूल खिले ही नहीं, खिलने से पहले मुरझा जाए जो गुरु चरणों में ना आता। बाकी दुनिया की बात क्या करे, कौन सुखी आप बताइए जरा, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी, कोई पड़ोसी के सुख से दुखी है? एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति ने बड़ी सुंदर सी तपस्या की, ध्यान लगाया, ध्यान मुद्रा, बड़े भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान ने कहा मांग तुझे क्या चाहिए? बोले मैं मनवांछित इच्छाओं वाली चीज चाहता हूं। ठीक है, कहीं ये जो मणि है ना, ये आप अपने पास रखो, इससे जब आप लेकर के चिंतन करोगे ना तो आपको जो मांगोगे वो मिल जाएगा। तालियां बजा दी, वाह, मिल जाएगा। थोड़ी देर बाद परमात्मा ने कहा बालक इधर आ। बोले वरदान मिल गया ना? बोले हाँ। बोले इधर सुन, तुझे एक मिलेगा जब तू मांगेगा, बगल वाले को दो मिलेगा। ए बाजू वाला ना भला हो तो मजो ना आए। कुत्ते को घोड़े की गति और आदमी को प्रगति नहीं अच्छी लगती है। अब ले तो लिया, गुरु की चीज वापस तो होती नहीं, घर गया। जिस काम से पड़ोसी का भला हो, मेरे किसी काम की नहीं, ये ले रख। हमारी माताओं का आदत बहुत प्यारा है संभाल के रखने का, रख लिया। एक दिन बिचारी की इच्छा हुई कि काश मेरे 12 व्यंजन हो। आजकल नरेश जी दिखावे के लिए लोग बहुत जीते। एक मास्टर जी आए हमारे पास, बालाजी में कथा चल रही थी, उन्होंने कहा महाराज सुन रहे हो, ध्यान देना, उन्होंने कहा महाराज मेरा ट्रांसफर करवा दो इस स्कूल में से, आपका जानकार है जिसका वो ऑर्गेनाइजेशन है। मैंने बोला कारण? बोले मेरी पत्नी है ना, उसके कपाट में जितनी साड़ियां थी सब एक बार पड़ चुकी, पहन चुकी है, इसलिए अब कहीं और करवाना है। बोले इसके लिए? बोले हाँ, नहीं तो लोग ये बोलेंगे ये तो रोज वही पहनती है, वही दिखावे की जिंदगी। हाथ में लिया, ध्यान दे, और उसने भाव कर लिया भगवान 56 भोग चाहिए, सारी चीजें मिल गई, लेकिन उसे पता नहीं पड़ोसी के घर दो दो हो रहा है। आ गया वो बंदा, अरे क्या कर रही? बोले कुछ नहीं, ये सब बदल कैसे गया? बोले ये वस्तु हाथ में ली, मन में विचार किया, बदल गया, सत्यानाश हो जाए सारा आजे उनके। तपस्या करी न पछाड़ी, फिर नहीं कहता मैं आवे हूं करू छे। ओला भाई आप ला ले कर चा नहीं देखो, अबे बेबे मालो नबंदी थी गई नहीं, हूं करू। ये कभी पानी नहीं पिलाता, उसकी दो दो मंजिल की बिल्डिंग बना दी तूने। अरे भगवान मैं आपसे ज्यादा होशियार हूं, अगर मुझे एक पड़ोसी को दो लाभ मिलेगा तो नुकसान भी ऐसे ही तो होगा। हे भगवान मेरे दरवाजे पे एक कूप बन जाए, पड़ोसी के तो बोला अभी कूप तो बना दिया, देख कर निकल जाएगा, मैं अपनी एक फोड़ लेता हूं दूसरे से काम चल जाएगा, पड़ोसी की दोनों फुड़वा देता हूं डूब के मर जाएगा।
उसने कहा भगवान मेरी एक ले ले, पड़ोसी के दोनों चले जाए। लेकिन भागवत जी क्या कह रही है, चेष्टा दस पुराने सुव्यास्य वचनम दयो पापाय परपीडनम। यहां पर भागवत कथा में आकर के भी अगर आपने जीवन में बदलाव नहीं लाया तो कोई महत्व है? फिर दुखी और सुखी की बात करेंगे तो दुखी कौन है? कथा में अरोचकता लानी है, इसलिए एक लाइन में बता सकता हूं मैं आपको कि सुखी कौन है। राम राम में जिसके प्यारे, राम राम में जिसके प्यारे, हरि का रूप समाया। हरि सुख क्या सागर रोज नहाए, जिसने हरि गुण गाया। सुख का सागर रोज नहाए, जिसने हरि गुण गाया। सुख का सागर रोज नहाए, जिसने हरि गुण गाया। सुख का सागर रोज नहाए, जिसने हरि गुण गाया। सुख का सागर रोज नहाए। भक्ति को जगा रहे हैं, बार बार समझा रहे हैं, हरि नाम चिंतन करो। देखिए अगर आपको प्रथम पल में सफलता ना मिले तो निराश नहीं होना चाहिए। जिसकी आस है वो उदास है, क्योंकि आशा की एक बेटी भी है, उसका नाम है आतृप्ति। आज पूरी नहीं हुई तो क्यों नहीं, मिला तो थोड़ा क्यों और ज्यादा क्यों नहीं। भक्ति को देव ऋषि नारद समझा रहे हैं और स्वयं भक्ति के लिए प्रार्थना करते हुए जा रहे हैं और कह रहे हैं, सारे गाएंगे, अरे प्रभु जिसके आदेश से लोगों को मुक्ति मिल जाती, आज वो भक्ति कुछ नहीं कर पाई। हरि नाम संकीर्तन करते हुए देव ऋषि नारद आगे चलते हैं, पुनः प्रयास करेंगे कि भक्ति के दुखों का निदान कैसे। एक दरवाजे पे आपको भिक्षा नहीं मिली ना तो निराश मत होना, अभी बहुत दरवाजे हैं, कोई ना कोई तो दया कर ही। हमारी संन्यास की परंपरा है महाराज, 14 वर्ष का निरंतर उपवास रहा, फिर उपवास तो अभी भी रहता ही है। साल में 5-10-15 मैक्सिमम 30 दिन भोजन हो तो ठीक, नहीं बाकी उपवास ही रहता है। और मेरे चेले से कहो भैया गला खराब हो रहा है आपका, तो बोलते हैं गुरुजी तकलीफ है ना, मेरे को क्यों नहीं, मैं तो भोजन भी नहीं करता भाई, तुम लोग तो 3 बार बादाम और रोटी खाते हो, पता नहीं। फिर कहते गुरु जी आपकी दुकान खाली नहीं है ना, आप देखिए सुबह 9 बजे से आपकी सेवा में, अभी यहां से जाएंगे तो 2 बजे तक सेवा चलती है, 8 बजे गए तो फिर और लोग आते हैं गुरुजी गुरुजी। अच्छा संसारी उसे अपने आप पढ़ा लेते हो, बोले अपने आप। अगर आप बाजार में जाते हो, सुखी और दुखी चिंता मुक्त होने का एक साधारण सैंपल ले रहा हूं, आप बाजार में जाते हो, साग सब्जी लेते हो, उसमें कोई दागी है तो क्या करते हो? आकाली ना करो ना, मारे नतीजे है ना, बीज अब बदला पड़ो ना, खराब करी ना कहीं, जो ये नतीजे में पैसा जो ये ना यार, पैसा लेना ना पर सारा मस्तारा वस्तु आप जो एम को ना तुम तो ये रीते संसारिक जीवन में जे दुख नहीं बातें भूली जवाए ना यार, के मगज माना की परो मादो तो थवान से ना तुमने। जैसे खराब फल निकाल के बाहर रख देते हो, अच्छे फल टोकरी में लेते हो, ऐसे बुरी बातें भूलना सीख जाओ। और हम समझाएंगे स्वामी जी आपको नहीं पता है, बड़ी वेदना है, बेटा विमुख हो गया है, बेटी विमुख हो गई है,
पत्नी हमारी सुनती नहीं है, व्यापार में बड़ा घाटा हो रहा है, आपको क्या पता स्वामी जी, आपका तो ऐसा है मेहरारू ना लई का चला चली द्वारिका, आपके आगे पीछे थोड़ी कोई है। अब उसे कौन समझाए कि भाई हमारा संसार बहुत बड़ा है, तेरा उसके आगे कोने में भी नहीं लगता, लेकिन अंतर है, तेरा संसार तू चलाना चाहता है और मैं प्रभु को अर्पित कर देता हूँ, ये तू भी सीख ले, भाव पार हो जाएगा। भिक्षा का समय था तो हम लोगों को भिक्षा करनी होती थी, खंडेलवाल जी एक संन्यास की प्रक्रिया, कुछ समय दिगंबर रहना पड़ता है, कुछ समय करपात्री रहना पड़ता है, कुछ समय आहार छोड़ना पड़ता है, और खैर हम तो 10 महाविद्या के साधक है तो यहाँ तो और जटिल प्रक्रिया है, छिन्न मस्ता मातंगी भैरवी बगला सारी। तो भिक्षा का नियम था, पहले आपके द्वार पे या जिस गांव में जाना, तो भिक्षा का आदत पड़ गया है और ये कभी छूटेगा ही नहीं, मांगने खाने वाले कभी चुप रहते क्या, आदत तो जानी नहीं है सर। गुरुकुल में रहे तो भिक्षा मांगी, गुरु जी के सानिध्य में रह के तो भीख मांग के ही खाना था, मांग के लाओ बनाओ खिलाओ और खुद भूखे सो जाओ, और नहीं बनाओ तो लक्कड़ मारते थे, गुरुकुल की परंपरा थी। अब पहले द्वार पर जाना तो कैसे भीख मांगना, ओ भाई थोड़ा फल देना, ऐसे थोड़ी देता कोई साधु को, संतों का काम क्या है भगत के घर जाना, तो करना क्या ये तो खबर होए ना, नहीं बाबा अबे ढोकला खाए और पापड़ा खाए और बाद में होया जाए। द्वार पर जाते कहना पड़ता था 9 बार गायत्री जप करना मन से, किस भक्त का कल्याण हो, और कहना होता था शुभ मंगलम भवतु भिक्षाम देही, ऐसे एक द्वार पे 3 बार बोलना पड़ता था, और जब तीनों में ना मिले तो दिशा छोड़ देनी पड़ती थी, पूर्व की दिशा गई उसमें ना मिले तो दूसरे में जाओ, तीसरे में जाओ, चौथे में जाओ, खैर अपना तो माई की ऐसी कृपा बरसी मेरे पे, एक ही घर में हमेशा काम होता रहा, दूसरे के घर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, 3 भी नहीं देखे कभी। गुरुकुल में रहे तो भिक्षा मांगी, अब उसके बाद में एजुकेशनल परीक्षाएं तो दी, अब अध्यात्म की परीक्षा दे रहे हैं, परीक्षा ही चल रही है ना सामने, ईश्वर परीक्षा ही लेगा ना। अब जब कुछ घटता है तो हवन करके अपने माता जी से मांगते हैं, परमात्मा से मांगते हैं, वास्तव में अगर कोई दीन बनकर परमात्मा से भिक्षा मांगता रहे तो उसकी हर इच्छा पूरी हो जाएगी, जगत भिखारी है कुछ दे नहीं सकता, मांगना तो परमात्मा से मांगना, वो कभी तुम्हें भूखा नहीं। आज के समय देखिए, यहां पर श्रीमद् भागवत में देवऋषि नारद चल पड़े हैं हरि नाम स्मरण करते हुए, कोई दूसरा मार्ग ढूंढिए जिससे भक्ति का दुख का निदान हो। हर तेरी लीला हा तेरी लीला है अपरम तू ही जाने रे दादा, तू ही
कल्याण के लिए जा रहे हैं, सनकादि ऋषियों से संपर्क हुआ। सूर्य के तेज से भी ज्यादा तेजस्वी ललाट चमक रहे हैं, ज्ञान का प्रकाश फैल रहा है, जैसे चुंबक लोहे को खींचता हो ऐसे संत की साधना विद्वता का बोझ अपनी ओर खींच रहा है। देवऋषि नारद ने जाकर कहा,